सिर्फ हमें आगाह करते हैं। नाज़रीन, स्कर्दू और मुज़फ़्फ़रात में बर्फबारी का सिलसिला तो रुक गया, मगर आवाम की मुश्किलात बदस्तूर बरकरार हैं। सड़कों से बर्फ न हटाई जा सकी, बालाई देहात के रास्ते मुसलसल बंद होने से इलाके में अदरियात खुराक की किल्लत पैदा हो गई है। मज़ीद रजब आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है बर्फबारी के बाद और लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, स्कर्दू बल्तिस्तान में गुज़श्ता एक हफ्ते से जारी बर्फबारी का सिलसिला रुक गया है। आज जो है हल्की धूप निकल आई है, ताहम सर्दी की शिद्दत बरकरार है। बालाई इलाकों अरंदो, गुलतरी, शिला और शहरथंग के रास्ते जो है वो बर्फबारी के बायस बन हैं। इन इलाकों में खुराक, अदवियात और गंदम की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। स्कर्दू बल्तिस्तान से बल्तिस्तान डिवीजन के चारों अजला के 300 से ज्यादा रबता सड़कें जो है वो ताहल आमद और रफ्त के लिए मुनकता है। शदीद सर्दी के बायस मुख्तलिफ मौसमी बीमारियां भी पैदा हो रही है। स्कर्दू में बर्फबारी और सर्दी के बायस जो है सरकारी दफातर भी वैरान है, हाजिरियां मामूल से कम है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज तक स्कर्दू और मज़ाफ़ात में मौसम साफ रहने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया रजब अली कमर, आप हमें आगाह करें।